हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम आपको दिखाएंगे कि काइन मास्टर से कैसे वीडियो एडिट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काइन मास्टर आपको डाउनलोड करना होगा, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा और उसमें लिखना होगा काइन मास्टर। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ लिखना है काइन मास्टर। काइन मास्टर आप लिख के आप यहाँ से सिंपली सर्च कर सकते हैं और यहाँ से आप इंस्टॉल करके उसको ओपन करके देख लीजिए। तो मैं यहाँ से पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो मैं यहाँ से सीधा आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से काइन मास्टर ओपन करके आप यहाँ पर रिमाइंड मी लेटर पे ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ से प्लस के निशान पर क्लिक कीजिए और एम्प्टी प्रोफाइल ले लीजिए। एम्प्टी प्रोफाइल लेने के बाद आपको सबसे पहले मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आप जो आपको वीडियो बनाना है वो कोई पिक ले लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से इमेज लिए, ये लिए और ये ले लेते हैं। जो आपका इच्छा हो आप अपने मन के मुताबिक ले सकते हैं। चलिए एक ये ले लेते हैं, एक ये भी ले लेते हैं, ये एक ले लेते हैं। अब चलिए दिखाते हैं आपको एडिट करके कैसा ये बनता है। बिना एडिट का आपको मीडिया से लेने के बाद आपका ऐसे ही दिखेगा। चलिए कुछ देख लेते हैं, फिर आप उसको एडिट करके दिखाएंगे कि कैसा उसका इफेक्ट डालने के बाद बनेगा। ये आपको बिना इफेक्ट डाले हुए प्ले हो रहा है। देख सकते हैं बिना इफेक्ट डाले इसका ये इफेक्ट में चल रहा है। तो चलिए इसको इफेक्ट डाल के देखते हैं इफेक्ट डालने के बाद कैसा बनेगा। आपको इफेक्ट डालने के लिए दोनों इमेज के बीच देखिए एक चौकोर में माइनस का निशान है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये इफेक्ट सब है, ये जितना भी है ये इफेक्ट सब है। तो चलिए एक इफेक्ट ले लेते हैं। तो ये देखते हैं लेके कैसा दबेगा। ये सही नहीं है, ये देखते हैं, ये भी सही नहीं। चलिए 3D में कोई देखते हैं, ये सही नहीं है, ये सही है। चलिए इसको ले लेते हैं। फिर अगला में देखते हैं, यहाँ भी उसी तरह से करना है। इसमें आपको ये देखते हैं, ये सही है। आपको अपने पसंद के अनुसार डाल देना है। चलिए अगला में देखते हैं, चलिए फिर आगे, फिर यहाँ देखते हैं, के बाद लास्ट लास्ट चलिए एक अब देखते हैं कि एडिट होने के बाद इफेक्ट डालने के बाद एडिट कैसा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करके एक बार देख लेते हैं। देखिए इफेक्ट डालने के बाद आपको इस टाइप से आएगा, फिर अगला इफेक्ट इस टाइप से आएगा, ये रहा इफेक्ट, फिर अगला इफेक्ट ये रहा बबल टाइप से। अब ये इफेक्ट देख लीजिए, अगला इफेक्ट देख लीजिए, स्टेज शो है, ये इफेक्ट रहा, उसके बाद ये लास्ट इफेक्ट। और अगर आपको म्यूजिक डालना हो तो आप इसके यहाँ पर शुरुआत में कर दीजिए कर्सर को और फिर यहाँ से आप ऑडियो में चले जाइए। ऑडियो में जाने के बाद आप
अपना ऑडियो चुन सकते हैं। उसके बाद ऑडियो देने के बाद आपको सिंपली यहां से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपका प्रोजेक्ट यहां सेव रहेगा। सेव रहने के बाद आपको यहां पर शेयर का बटन है, इस पर सिंपली क्लिक करना है और यहां से सेव टू गैलरी में जाना है। अब यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्वालिटी में, कौन क्वालिटी में, किस क्वालिटी में आपको वीडियो मैंने आपके अपने मेमोरी कार्ड में डाउनलोड करना है। तो हाई लो मीडियम में आप कर सकते हैं। यहाँ हम मीडियम सेलेक्ट किए हुए हैं तो हमने मीडियम का दिख रहा है। आप अपने अनुसार क्वालिटी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आप लेटेस्ट वीडियो का जानकारी आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।